Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. All of you, welcome to Adda 24/7 Government Job in Your Pocket. So, आज का जो session है, वो है हमारा CHSL के हम paper को discuss कर रहे हैं. कल हमारा पहला paper हो चुका है. आज बात करेंगे हम 2 जुलाई 2019 में जो हमारा CHSL 2018 का paper हुआ था, first shift का. उस क्वेश्चन पेपर को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में. जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करें. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन. 40% ऑफ है हमारे ऑल प्रोडक्ट के ऊपर. यदि आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपको कोई ना कोई इनाम, गारंटेड इनाम जरूर मिलेगा, प्राइस जरूर मिलेगा. हो सकता है वो आईफोन हो, लैपटॉप हो, या हमारी टेस्ट सीरीज हो, या सब्सक्रिप्शन हो, या कैशबैक भी हो सकता है. 100% कैशबैक, 30 लाख तक का आपको इनाम मिल सकता है और गारंटेड प्राइस के है. ठीक है, बिल्कुल आपको खरीदना चाहिए. आपको यदि उसे परचेज करना है तो स्टोर अड्डा पे जाके आप उसे परचेज कीजिए और अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया जाए कंप्यूटर जी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने ये बोला है कि 4 के अपोजिट कौन सा हमारा नंबर आएगा. तो 4 के अपोजिट नंबर हम आसानी से बता सकते हैं. कैसे? क्योंकि 2 डाइस है, दोनों डाइस में हमारा जो कॉमन है वो 2 है. हमारे 5151, तो तीसरी पार्टी के इक्वल होगा, तो 4 के अपोजिट होगा हमारा 2. तो ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के आपको ये बताना है कि ये आकृति कौन सी हमारी फिगर में छुपी हुई है, ए बी सी, और बेचारा जो अकेले में पड़ा हुआ है वो है हमारा डी. तो सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक जरूर करना है, क्योंकि भाई क्लास लगाई जा रही है आपके लिए, तो आपको पढ़ना है. पढ़ोगे कैसे भाई, लाइक करो सेशन को. तो क्या आएगा हमारा जो डी आंसर आएगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि एम्बेडेड फिगर में जो इसकी आकृति बन रही है वो हमारे डी ऑप्शन में बन रही है. जब प्रैक्टिस करोगे ना अपने उस पर, तो बिल्कुल डी ही बनेगा. ठीक है, चलिए सेकेंड के बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन लगा दीजिए. थर्ड क्वेश्चन कहता है एक सीरीज दे रखी है. सीरीज क्या दे रखी है, ए बी बी ए बी ए बी डी देन ए सी बी बी डी बी ए देन बी. क्वेश्चन हटा दीजिए, एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए. ये हमारा क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप कैसे देखोगे, देखो यहाँ पे बी ए, यहाँ पे बी ए, ठीक है, देन उसके आगे क्या है, डी बी है. क्या है हमारे उसके आगे, डी बी है. यदि मैं यहाँ पे डी लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डी लगा दूँ, डी से क्या है, पहले बी है, तो बी से पहले यहाँ पे क्या है, ए है. तो ए बी डी बी ए, ए बी डी बी ए, ठीक है, देन उसके बाद ए बी डी बी ए, देन उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा सी बी. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा सी. तो क्या आएगा, डी सी बी, देन हमारा क्या आएगा, ए और सी क्या होगा, डी सी बी ए सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा ये वाला. ठीक है, 1 2 3 4 और 5, 5 ही है ना, बिल्कुल 5 है. ठीक है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक बार स्क्रीन पर दिखा दो, क्वेश्चन को दिखाना. जो क्वेश्चन का आंसर होगा डी सी बी ए सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा ए ऑप्शन. ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आइए. फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है भाई आपको सीरीज का क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है, तो आप ये बताइए कि जो नेक्स्ट होगा वो कौन सी आकृति बनेगी. देखिए पहले ये बना, ठीक है, उसके बाद बेचारा इत्तू सा ये बन गया, इत्तू सा ये अलग से बना, उसके बाद इसके अंदर एक सर्कल बन गया, सर्कल को अलग निकाला, सर्कल को अलग निकाला. जब सर्कल को अलग निकालेंगे तो जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा कौन सा आंसर बनेगा. सर्कल अब बड़ा होगा, सर्कल के अंदर भी तो कुछ ना कुछ आएगा, तो सर्कल के अंदर हमारा क्या आएगा, कुछ आएगा. वो क्या आएगा, सर्कल के अंदर सर्कल ला नहीं सकता, क्योंकि एक बार आ चुका, हमेशा नई आकृति बन रही है. यदि नई आकृति बन रही है तो हमारे ए और डी ऑप्शन में से बनेगा. ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्कल के अंदर सर्कल नहीं बनेगा, सर्कल के अंदर हमारी एक नई आकृति बनेगी जो कि हमारी ये बनेगी. वो क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो परमोटेशन को, परमोटेशन को क्या कहा जाता है, ध्यान से देखो भाई. आई बी के एफ आर एम एक्स एम एफ एल जी कहा जाता है, तो पब्लिकेशन को क्या कहा जाएगा, पब्लिकेशन को क्या कहा जाएगा. अब देखो ऑप्शन को ध्यान से देख लो,
ऑप्शन से एलिमिनेट करो। ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करोगे, परमोटेशन में पी क्या है आई पे, पब्लिकेशन में भी पी क्या आ जाएगा आई पे। बात करेंगे हम यू की, तो ई से बी जा रहा है, माइनस में हो रहा है, माइनस में हो रहा है तो कितना माइनस में हो रहा है, डी सी बी तीन कदम, तो यू से माइनस करोगे तीन तो कितना आएगा आर। तो भी दो ऑप्शन तो हमारे कट गए बी और सी। बी और सी ऑप्शन कटने के बाद यदि मुझे बी का पता चल जाए तो मेरा जो ऑप्शन है ए और डी भी कट जाएंगे, क्योंकि ए में क्या है वी है और डी में क्या है यू है। अब देखो आर के बाद के जा रहा है, आर के बाद क्या जा रहा है के, आर के बाद के जा रहा है तो कितने कदम पीछे जा रहा है भाई, एल एम एन ओ पी क्यू आर सात कदम। बी में सात माइनस कर दो, बी में सात माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, ए जेड वाई एक्स डब्लू वी, तो कितना आएगा यू आएगा, क्या आएगा सातवें नंबर पे हमारा क्या आएगा यू आएगा। तो बच्चा आई आर यू जिसमें होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पेपर में क्वेश्चन करना है तो उड़ाना कैसे है, ऑप्शन से उड़ाना है, तो डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा सीरीज का क्वेश्चन है 5, 9, 18, 43, 92, 213, 382 देन क्वेश्चन मार्क। बताइए 5 से 9 गया, 4 ऐड हुआ, 9 से 18 गया 9 ऐड हुआ, पहले हुआ 4 ऐड फिर 9 फिर देन 18 से 43 गया तो भाई सीधा सीधा 25 ऐड हो गया, 43 से 92 गया तो कितना ऐड हुआ 49 ऐड हुआ, हुआ नहीं हुआ बिल्कुल, 92 से 213 ऐड हुआ तो कितना ऐड हुआ 121 हुआ। तो मतलब क्या है, अभाज्य प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा है 213 से, यदि मैं 382 की बात करूं तो 169 हुआ है, तो 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो ना तो 15 होगा, तो वो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 17 होगा, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 289 प्लस कर दो 382 में, 289 जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 9, 10, 11, 8, 8, 16, 17, 3, 2, 6, 71 क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो जो बच्चा डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 के बाद 7th क्वेश्चन को लगा दिया जाए भाई। 7th क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। आपको पता है स्टार में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं 10 होते हैं, वो हमें सिखा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको काउंट करके बताऊंगी कैसे 10 होते हैं। ये है पहले स्टार का बात करेंगे, अंदर का गोला छोड़ दो, ठीक है हटा दो एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन को हटा दे, थैंक यू। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर धर लिए मैंने, नंबर धरने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा वो बनेगा ट्रायंगल क्या बनेगा 2, 6, 5 बनेगा, नहीं बनेगा बिल्कुल बनेगा 2, 6, 5 देन जो हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 1, 6, 3 ठीक है, जो हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 2, 6, 4 बनेंगे नहीं बनेंगे। अब दो जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो हमारे कौन से होंगे, फटाफट से कमेंट कीजिए मैम। नौ जो दो ट्रायंगल होंगे वो हमारे ये होंगे, ठीक है एक हो गया हमारा 1, 6, 3 एक हो गया हमारा 2, 6, 4 ठीक है, एक और बताओ भाई दो जो हमारे ट्रायंगल है वो कौन से होंगे। ठीक है देखो एक हो गया हमारा 1, 6, 3 एक हो गया हमारा 2, 6, 4 और एक हो गया हमारा 1, 6, 4 1, 6, 4 होगा नहीं होगा 1, 6, 4 ठीक है क्लियर है। एक जो ट्रायंगल होगा वो कौन सा होगा, एक जो ट्रायंगल होगा वो होगा हमारा 4, 6, 1 भी हो गया 2, 6, 5 भी हो गया और एक होगा हमारा 3, 6, 5 कितना होगा 3, 6, 5 ये जो ट्रायंगल होंगे वो हमारे टोटल जो ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे 10 होंगे। हमेशा ध्यान रखना जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे वो कितने होंगे इसमें 10 होंगे। अब क्वेश्चन दिखाना ठीक है, स्टार में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमेशा 10 होते हैं। अब देखो इसमें जो अंदर का दे रखा है, अंदर इसने कैसे दे रखा है, देन उसके बाद ऐसे जी ठीक है, इसमें जो ट्रायंगल होंगे 10 तो ट्रायंगल में है ही है इस स्टार में, उसके बाद जो ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे 1 और 2 और इसमें कितने ट्रायंगल होंगे 3, तो जो सर्कल में जो हमारे ट्रायंगल होंगे वो होंगे हमारे 3, तो 10 + 3 कितना होगा 13, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे हमारे 13 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th का कि हमें ऑड वन आउट बताना है, तो बताइए इसमें जो हमारा ऑड वन आउट होगा वो क्या होगा। देखिए एल के अपोजिट क्या आता है ओ, पी के अपोजिट आता है के, एम के अपोजिट एन, क्यू के अपोजिट जे, सी के अपोजिट एक्स, जी के अपोजिट टी, तो जी के अपोजिट आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था डी ऑप्शन में टी आना चाहिए था, लेकिन जी के अपोजिट क्या आ रहा है एस आ रहा है, जबकि एस होता है वो एच के अपोजिट होता है, तो बच्चा जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पेयर दे रखा है 5, 2 एंड 20 और हमें बताना है ए बी सी या डी ऑप्शन में से हमारा कौन सा वो पेयर सुटेबल होगा 5, 2 एंड 30 के। बताइए, देखिए 5 5 25 30 कब आएगा, जब मैं 2 में 2 स्क्वायर में क्या कर दूंगी, प्लस 1 कर दूंगी, 2 में प्लस 1 कर दूंगी तो कितना आएगा 30। तो सेम पैटर्न मेरा किस में फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न जो मेरा फॉलो हो रहा है वो कितना रहा है 77 49, ठीक है। 8 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 64 प्लस 1 65 प्लस 49 कितना आएगा हमारा 114। तो ये जो हमारा फॉलो हो रहा है वो हमारे डी ऑप्शन में हो रहा है, तो डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10वें क्वेश्चन पे, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। बताइए पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बस आपको क्या ध्यान देना है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन, पेपर कटिंग का ये है, कहाँ से दे दिया, इसे दे दिया कट करके, जब आप इसे 3 साइड फोल्ड करोगे तो 3 साइड बनेगा नहीं बनेगा, जब ये 3 साइड बनेगा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। सीधा सीधा ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो भाई, डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। भाई पेपर में कैसे उड़ाना है हम तो ये सिखा सकते हैं, कंसेप्ट आपको बता सके, पेपर में आपको कैसे उड़ाना है वो आपको पता है, ऑप्शन से एलिमिनेट करने है, प्रॉपर सॉल्व करना है, कितने जल्दी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11वें क्वेश्चन पे आइए। 11वें क्वेश्चन अगेन सेट का क्वेश्चन है, सेट दे रखा है हमें 4, 10, 23 और ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी और डी, इनमें से कौन सा हमारा बिल्कुल सेम पैटर्न में फॉलो होगा जो हमें गिवन सेट दे रखा है। देखिए 4 2 8 + 2 10, ठीक है, 10 2 20 20 + 3 23, मतलब इंटू 2 करा पहले प्लस 2 करा, इंटू 2 करा प्लस 3 करा, तो सेम पैटर्न हमारा किस में फॉलो हो रहा है, जो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हमारा हो रहा है सी ऑप्शन में, 2 × 2 4 4 + 2 6 6 × 2 12 12 + 3 15, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th के बाद 12th क्वेश्चन, देखिए कच्चा माल मजदूर मशीन, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल लेबर एंड मशीन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। आपको पता है ये तीनों कहीं भी एक दूसरे से लिंक नहीं करती, कच्चा माल अलग है, लेबर अलग है, मशीन अलग है, जब ये तीनों ही अलग है तो जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, लेबर एंड मशीन, क्या होगा, जो ए होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए 12वें के बाद 13वें क्वेश्चन पे आइए। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन ये कहता है मार्केट को यदि IEONCV लिखा जाता है तो थर्मो को क्या लिखा जाएगा। देखिए एम से आई जा रहा है तो 4 कदम पीछे, ए से ई जा रहा है तो 4 कदम पीछे, टी से यदि 4 कदम पीछे जाएगा तो कितना आएगा पी आएगा, एच से 4 कदम पीछे जाएगा तो कितना आएगा एल आएगा, आर में क्या हो रहा है, आर से ओ जा रहा है, आर से ओ जा रहा है माइनस में है, कितना माइनस में, पी क्यू आर 3 कदम, तो ई में कितना जाएगा माइनस का 3 आएगा, ई में यदि माइनस का 3 आएगा तो हमारा माइनस का 3 करने पे क्या आएगा हमारा बी आएगा, तो जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, पी एल बी यू के क्यू, क्योंकि जो हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है -4 + 4 - 3 वाला हमारा क्या हो रहा है पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 13 के बाद 14 क्वेश्चन का लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। 14 है स्पोक इज व्हील, स्पोक की होती है तिल्ली, जैसे साइकिल में तिल्लियाँ होती हैं तो उससे क्या बनता है, तिल्लियों को जोड़ जोड़ के क्या बनाया, पहिया बनाया जाता है, तो उसी प्रकार जो हमारा पैटर्न है वो किस में फॉलो होगा, जैसे स्पोक है तिल्ली से पहिया होता है, जो तिल्ली होता है वो पहिए में होती है, पहिया जे जो हमारा तिल्ली बनाया जाता है, तो उसी प्रकार वर्ड से सेंटेंस बनाया जाता है, वर्डों को जोड़ जोड़ के हमारा क्या बनता है एक सेंटेंस बनता है, तो जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14 के बाद 15 क्वेश्चन को लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। 15 क्वेश्चन कहता है हमारा एनालॉगी का क्वेश्चन है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, एनालॉगी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 यदि हमारा 41 से रिलेट है तो 32 किससे रिलेट होगा। देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, प्लस कर दो 25 और 16 41, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 कितना होगा 13, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 13, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, जो एक्स है वो वाई की क्या है सिस्टर है, ठीक है, जो एक्स है वो क्या है वाई की सिस्टर है। एम के 2 बच्चे हैं और वह ई का बेटा है, जो H का ससुर है जिसका केवल एक ही बेटा है Y, जिस ठीक है Y E की पोती नहीं है, ठीक है। अब देखो M के 2 बच्चे, यदि मैं कहूँ कि M के 2 बच्चे एक परिवार के बारे में बात हो रही, सपोज कीजिए M के ये दोनों ही बच्चे हैं, ठीक है, M किसका बेटा है, M है वो E का बेटा है,
एम क्या है, ई का बेटा है, ठीक है, जो एच का ससुर है, जो क्या है, एच का ससुर है, एच क्या है, इसकी वाइफ हो गई, ठीक है, एच का ससुर है तो यहाँ पे लिख लो क्या हो गई, वाइफ हो गई एम की, क्योंकि एक फैमिली की बात हो रही, पड़ोसियों की तो बात हो नहीं रही है, ठीक है, एच का ससुर है जिसका केवल एक ही बेटा है, जिसका केवल एक ही बेटा है तो क्या हो गया, एक ही बेटा है जिसका, वो कौन हो गया, वाई हो गया, ठीक है, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ एच, एच हैज ओनली वन सन, एच के पास सिर्फ एक बेटा है और एक बेटी है, वाई ई की पोती नहीं है, जो वाई है वो ई की पोती नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो पोता हुआ, ठीक है, एक्स ई से कैसे संबंधित है, जो एक्स है वो ई की क्या लगेगी, जो एक्स है वो ई की क्या लगेगी, पोती लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 के बाद 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन आपको अलग बताना है, पर्स, सूटकेस, बैग और कारपेट में से इनमें से अलग क्या होगा, पर्स होता है हाथ में लेके चलती है, सूटकेस पकड़ने वाला, बैग भी हमारा क्या होता है कंधे पे, इसमें क्या होता है कुछ ना कुछ सामान रखा जाता है, कपड़े रख लिए, बुक्स रख लिए, कुछ भी, कारपेट में क्या लिखा जाता है, गंदगी रखी जाती है, ठीक है, जो बिछाया जाता है, कारपेट क्या है, इन सबसे बिल्कुल अलग होगा, तो डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 के बाद 18 क्वेश्चन भाई, राहुल हैज 340 इन द डिमोनेशन ऑफ द टू नोट्स, फाइव नोट्स एंड 10 नोट्स, 340 के नोट, 340 उसके पास क्या है, पैसे हैं, और जो कि नोटों की संख्या है दो की है, पांच की है, और किसकी है भाई, 10 की है, और प्रत्येक को इक्वल भागों में बांटा गया, मान लीजिए ये क्या है, एक्स रेशो एक्स रेशो एक्स, तो कितना आ गया, 2x 5x 10x प्लस कर दो तो कितना आ गया, 17x, 17x किस में है, 340 में है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20, लेकिन उसने क्या है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे, 3x थे, तो 3 को इंटू कर दो 20 से, तो कितना आ गया, 60, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 60 हो जाएंगे, तो 60 जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। 18 के बाद 19 क्वेश्चन को लगा दिया जाए कंप्यूटर जी, जो 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन क्या कहते हैं, 24/2, किस ऑप्शन को आप चेंज करोगे, और ऑप्शन चेंज करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा, इंटरचेंज करने के बाद, बताइए, पहले ऑप्शन को चेंज करें, माइनस और इंटू को, डिवाइड बाई टू प्लस 13 इंटू 54 माइनस 2, क्या लाना है, 34 करो भाई, कितना आया, 12 प्लस, यदि माइनस और इंटू को हम चेंज करेंगे तो हमारा ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, तो माइनस और इंटू खराब, तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है, देन किसको चेंज करेंगे, ऑप्शन आए डी ऑप्शन को, चलो भाई डी ऑप्शन को चेक करते हैं, 24 इंटू और डिवाइड को चल कर लो भाई, इंटू 2 प्लस 13 माइनस 54 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा, 27 माइनस 24 दूनी 48 प्लस 13 में से 27 माइनस करोगे तो माइनस का 14 बचेगा, 48 में से माइनस 14 कर दोगे तो कितना आएगा, 34, यदि मैं डिवाइड और इंटू को चेंज करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 34 इजिकल टू में 34, बिल्कुल राइट आंसर आएगा, तो डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 19 के बाद 20 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, लॉजिकल अरेंजमेंट मीनिंगफुल ऑर्डर का है, ए बी सी एंड डी हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको अरेंज करना है, आप इन जब क्वेश्चन को अरेंज करोगे तो कौन सा अरेंजमेंट होगा, प्रमोशन क्या होता है हमारा, किसी चीज़ में प्रमोशन हो जाना, जैसे आपकी कोई जॉब है तो उसको प्रमोशन दे देना, एप्लीकेशन करना, जैसे आप किसी का आवेदन करते हो, जॉब अपॉइंटमेंट की आपको नियुक्ति हो जाना, रिटर्न टेस्ट, मेरिट लिस्ट, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहले आप क्या करोगे, एप्लीकेशन भरोगे, एप्लीकेशन भरने के बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट के बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपका क्या होगा, नियुक्ति आएगी, जॉब अपॉइंटमेंट आएगी, अपॉइंटमेंट के बाद क्या होगा, जब आप जॉब करने लगोगे प्रमोट हो जाओगे तो प्रमोशन होगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 20 के बाद 21 क्वेश्चन को लगा दिया जाए भाई, 21 क्वेश्चन है, मास्टर इज 26, 13840 2536, देखो मास्टर का मुझे एम मिलता है 13, 13 इंटू में 2 कर दूंगी तो कितना आएगा, 26, गोविंद में जी होता है 7, 7 को इंटू कर दूंगी 2 से तो कितना आएगा, 14, ठीक है, और ए इज 1, 1 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा, 1, तो ओ का यदि मैं 15 का स्क्वायर करूंगी तो कितना मिल जाएगा, 225, तो बी क्या है हमारा, बी आता है 2 पे, यदि मैं 2 को इंटू करूंगी 2 से तो कितना आएगा, 4, 1 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा, 1, ठीक है, 4 और 1 अभी है, चलो 7 और 6 में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, S, S किस पे आता है, 19 को इंटू 2 से करा तो आया मेरा 38, तो C हमारा है 3 पे, तो 3 को जब मैं इंटू करूंगी तो आएगा मेरा 2 से इंटू करने के बाद 6, तो 416 सिर्फ हमारे A की ऑप्शन में है, वो है हमारा D ऑप्शन, तो D ऑप्शन पे आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिरर इमेज का है। यदि आप इस क्वेश्चन को मिरर इमेज में बनाओगे, जैसे राइट हैंड पे, जैसे यहाँ पे आकृति बनी हुई है और यहाँ पे हमारा मिरर रखा हुआ है, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए जो एरो है, जो ये जा रहा है, ये जो मुंडी सी जा रही है इसकी, ऐसे ये ऐसे जा रही है, तो ये कैसे जाएगी, इधर की साइड जाएगी। जब वो इधर की साइड जाएगी तो मेरे बी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत, बचा कौन सा हमारा ए और सी ऑप्शन। ए और सी में आप एरो को देख लो, एरो कहाँ जा रहे हैं हमारे, मिरर के पास जा रहे हैं, तो एरो कहाँ आएगा, मिरर के पास आएगा ऐसे करके। तो कौन सा है हमारा जो आंसर बनेगा, वो बनेगा हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा इसमें ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, या तो इसकी नाक को देख लो, नाक को पे फोकस करो, नाक कैसी है, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये कैसी जाएगी, ऐसे बनेगी, जो कि हमारा ए ऑप्शन में बना है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन में आपको बताना है, ऑड वन आउट बताना है, इनमें से अलग कौन सा होगा। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो, मैम इनमें से अलग ये होगा, कैसे, देखिए यदि मैं सी ऑप्शन को देखूं, 7298 तो कितना रहा है, 9 8 72, यदि मैं 9 8 72 करूँ तो कितना आएगा, 72 है या नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 के बाद 24 क्वेश्चन को लगा दिया जाए, 24 जो क्वेश्चन है वो है हमारे सिलॉक्स का क्वेश्चन है। तो सिलॉक्स का क्वेश्चन क्या बोलता है, सम देखो, तीनों हमारे पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, एस ए आर पोएम 50 एंड 50, पोएम आर डायरेक्टर 50 एंड 50, डायरेक्टर आर सिंगर 150, फर्स्ट और सेकंड में हमारा अनसर्टेन केस लग रहा है। अनसर्टेन केस क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों में क्या है, पोएम है, और दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, 50-50, मतलब कॉमन वर्ड पे 50-50 आ रहा है। सम डायरेक्टर आर पोएम, सम डायरेक्टर आर पोएम क्या मिल जाएगा मुझे, सेकंड कंक्लूजन सेकंड स्टेटमेंट से मिल जाएगा, और सेकंड स्टेटमेंट में दोनों के दोनों क्या है मेरे 50-50 है, तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन होगा वो बिल्कुल राइट होगा। सम सिंगर्स आर एस ए, सम सिंगर्स आर एस ए, लेकिन देखो क्या हो रहा है, जब भी अनसर्टेन अनसर्टेन और सर्टेन, मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में इन दोनों के बीच में अनसर्टेन बन रहा है, इनके बीच में सर्टेन का केस बन रहा है, तो हमारे अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट और थर्ड के बीच में अनसर्टेन का केस बनेगा, ये चेन रूल है सिलॉक्स में बताएंगे, तो उसकी वजह से जो मेरा सेकेंड कंक्लूजन है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ सिंगर्स आर पोएम की, सम सिंगर्स आर पोएम, सिंगर और पोएम मुझे कहाँ मिल जाएंगे, सेकेंड और थर्ड से मिल जाएंगे, सेकेंड और थर्ड से मिल जाएंगे, और सम है तो 50 से 50 आराम से जा सकता है, तो फर्स्ट और थर्ड जो होगा वो कंक्लूजन हमारा फॉलो होगा, और सेकेंड जो होगा वो हमारा फॉलो नहीं होगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 24 के बाद 25 क्वेश्चन। जैसे कार्डियोलॉजी से हमारी हृदय से संबंधित होती थी, हार्ट से संबंधित होती है, तो वैसे हमारी जो चिरोप्रैक्टर होता है वो किससे संबंधित होता है, वो होता है बच्चा हमारे जॉइंट से संबंधित होता है, जोड़ों से संबंधित होता है। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारा डी ऑप्शन, एक बार हटा दीजिए कंप्यूटर जी से। और जाते जाते हम आपको एक चीज बता दें, पहले तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, आपको जो भी परचेज करना है 40%, यदि आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो आपको मिलेगा 40% का ऑफ, और गारंटीड आपको कोई ना कोई प्राइस जरूर मिलेगा। यदि आप अड्डा के स्टोर पे जाके या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कीजिए अपने अड्डा की ऐप, और अड्डा के स्टोर पे जाके आप देखिए, आपको जो भी परचेज करना है वहां पे आपको गारंटीड प्राइस जरूर मिलेगा। 30 लाख तक का आपको प्राइस मिल सकता है, आईफोन, रेडमी नोट 4, और आपके पास दुनिया भर के जो वो होंगे, सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, टेस्ट सीरीज मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है, तो आप वहां से जाके उन्हें खरीद सकते हैं, आपको जरूर मिलेगा, और स्टोर के अड्डा पे जाके आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, इतना अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।